मेड्रोल टेबलेट के अंदर मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंग्रेडिएंट दिया है। मेड्रोल टेबलेट का इस्तेमाल गंजापन यानी एलोपीसिया यानी बालों के झड़ने की समस्या में भी हम मेड्रोल टेबलेट इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा गठिया, टेनिस एल्बो यानी कोहनी में होने वाली, कोहनी के जो जॉइंट हैं उनमें होने वाली सूजन और दर्द को कम करने के लिए, लाइकन प्लेनस एडिशन रोग, बच्चों में अस्थमा, आंतों में होने वाली सूजन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, चर्म रोग, दमा, राइनाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और हीमोलिटिक एनीमिया, इन सभी में हम मेड्रोल टेबलेट इस्तेमाल में लाते हैं। इस टेबलेट का जो इस्तेमाल है, आपको जो टीवी वाले पेशेंट हैं यानी जिनको ट्यूबरक्लोसिस है या फिर डिहाइड्रेशन की समस्या है या फिर अन्य कोई संक्रमण है, पेट में होने वाला अल्सर, हार्ट अटैक वाले पेशेंट, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, आंतों में होने वाला इंटरनल ब्लीडिंग, इस तरीके के जो मरीज़ हैं उनको आपको मेड्रोल टेबलेट नहीं देनी है। या फिर जो अगर आप दूसरी टेबलेट जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस तरीके की टेबलेट ले रहे हैं तो आप मेड्रोल टेबलेट यानी मिथाइल प्रेडनिसोलोन इन टेबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे जैसे अगर आप ज़्यादा डोज लेंगे आपको इनमें से कोई शिकायत नहीं है, गंजापन यानी बालों का झड़ना, गठिया, टेनिस एल्बो एडिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आंतों में सूजन और हीमोलिटिक एनीमिया, तो इसके अलावा आप इस टेबलेट को ज़्यादा डोज ले रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक ले रहे हैं तो आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और जो ग्लूकोज का स्तर है उसमें वृद्धि हो सकती है, त्वचा पर निशान का बढ़ना, मोतियाबिंद, धुंधली दृष्टि, घबराहट और मांसपेशियों से जुड़ी समस्या, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन असंतुलन, शरीर में वसा का इकट्ठा होना यानी संचय और हड्डी का पतन और आपके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन, चिड़चिड़ापन, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। मेड्रोल टेबलेट की जो मार्केट रेट है इसमें 45 रुपीस दी हुई है। इस तरीके की पैकिंग में आपको मेड्रोल टेबलेट मिलेगी यानी 10 टेबलेट का यह पत्ता है। इस टेबलेट का ज़्यादातर इस्तेमाल गंजापन के लिए और त्वचा में होने वाले जो से जुड़ी समस्या है उसके लिए करते हैं या फिर गठिया में भी इस टेबलेट को प्रयोग में लाया जाता है ज़्यादातर। धन्यवाद।